अब वो आजमी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार 4.5 साल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लगातार पलटवार कर रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि 4.5 साल में प्रदेश की जनता के साथ इस सरकार ने झूठ बोलने का काम किया है और सपा के कामों को अपना काम बता रही है सरकार। इससे बड़ी बेशर्मी की कोई और बात नहीं हो सकती है। हमारे बीच में हम सबके नेता पूर्वांचल पार्टी की सरकार बनाने के लिए कारगिल की बटन दबाकर माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्होंने पहचान बनाई है महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में। आप अध्यक्ष के कदम दर कदम ऐसा चले कि निशान मैंने देखिए आदरणीय स्वर्गीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के उस वक्त से जब से नेताजी समाजवादी पार्टी को बनाना शुरू किया और मुझे याद है कि जब मैं राजनीति में नहीं था लेकिन मैंने नेताजी को ढूंढा कहीं से और मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो जब मैंने मुंबई में बुलाया नेताजी को पहले तो उन्होंने सबसे पहले इसलिए त्यागा जी को बम्बई भेजा तो जाओ देखो वहाँ क्या कार्यक्रम कैसे कार्यक्रम है। हमेशा वो लगे रहते थे और हम आजमगढ़ के लोग बचपन से उनको जानते हैं। हमेशा वो मुस्लिम हिंदू के मिलाप में लगे रहते थे, हमेशा सबका काम करते थे, बहुत अच्छे नेता थे। तो मैं जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने कहा मुझे भी उनके श्रद्धांजलि में जाना चाहिए और उनके जो अधूरे कार्यक्रम है उसको पूरा करना और अब की 2022 में समाजवादी की सरकार लाना, इस लक्ष्य से हम लोग भाग रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही, देश दुनिया की तमाम